हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से दो क्वेश्चंस बार बार आपके कमेंट बॉक्स में और ईमेल में आ रहे थे कि मैडम हमको सोल मिशन कैसे पता चले। और एक तो अक्सर ही आता था क्वेश्चन, मैम मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, क्या करें। ठीक है, हार्ट में जब पेन हो तब क्या करें और सोल मिशन सोल पर्पस कैसे पता करें। तो आई एम ट्राइंग टू आंसर बोथ द क्वेश्चन। हो सकता है कि मैं इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिक्स करके एक एक जवाब बना के देती हूँ। देखिए, सोल पर्पस और सोल मिशन क्या होता है। सोल पर्पस को हम कह सकते हैं गॉड्स प्लान, कि कुछ भगवान ने आपके लिए प्लान किया हुआ है। ठीक है, तो आपका सोल पर्पस और आपका सोल मिशन आपका गॉड्स प्लान गॉड ही बताता है। ठीक है, ना मैं बता सकती हूँ, ना किसी से सेशन लेने वाले से आप पूछ सकते हो, ना आप खुद कुछ अज्यूम कर सकते हो, वो गॉड बताता है। अब गॉड कैसे बताता है, देखिए आप अपनी लाइफ की स्टेजेस को बहुत ध्यान से एनालाइज करिए। आज से 2 महीने पहले आप जाइए, आपकी क्या मेंटेलिटी थी, फिर आपकी लाइफ में क्या हुआ, फिर आपकी लाइफ में पेन आया, फिर आपने पेन से निकलने के लिए क्या क्या ट्राई किए। ठीक है, सपोज़ ट्विन आपकी लाइफ में आया, फिर सेपरेशन हुआ, फिर सेपरेशन से मैं आप समझने की कोशिश करी कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ, फिर आपने सोचा कि मैं अपने ये इश्यूज़ हील कर लेती हूँ, वो इशू हील कर लेती हूँ, हाँ मैं अपने क्या क्या करूँ कि मुझे मेरा ट्विन मिल जाए। अल्टीमेटली एम क्या है, गोल क्या है इस जर्नी में सबके चलने का, कि हमें हमारा रीयूनियन हो जाए, हमारा ट्विन मिल जाए, यही होता है ना। और इस जर्नी पे चलते चलते हम एक्चुअली हम तो ये सोचते हैं कि हम इस जर्नी में चल रहे हैं और हम कभी कुछ ट्राई कर रहे हैं, कभी हम अफर्मेशंस ट्राई कर रहे हैं, कभी हम मेडिटेशन ट्राई कर रहे हैं, कभी हम अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हम दूसरों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ भी ट्राई कर रहे हैं जिससे कि हम अपने गोल तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर रहे एक्चुअली, बेसिकली गॉड हमसे करवा रहा है। अब अगर आप इसको हम ना सोच के ऐसा देखिए कि आप से हर चीज़ गॉड करवा रहा है। पहले गॉड ने आपको आपसे कुछ करवाया, पहले गॉड ने आपको मेडिटेशन करना सिखाया, फिर गॉड ने आपको अफर्मेशंस के लिए प्रोवोक किया, फिर गॉड ने आपको ये एहसास दिलाया कि आपको अच्छे इंसान बनना है, फिर गॉड ने आपको एहसास दिलाया कि आपको सिर्फ डीएम से नहीं समाज से भी प्यार करना है, फिर गॉड ने आपको एहसास दिलाया कि खुद से सबसे पहले प्यार करना है, फिर गॉड ने ये एहसास दिलाया कि मुझसे भी प्यार करना है, मैं तुम सबके अंदर हूँ। ठीक है, इस प्रकार से और भी चीज़ें आप सबकी लाइफ में अलग अलग होती हैं, जो भी आपकी लाइफ जर्नी हर इंसान की अलग होती है, ये चीज़ें कुछ कॉमन है, बाकी आपकी लाइफ जर्नी अलग है, हर इंसान की अलग अलग है। तो आपकी जर्नी कहते ना गो विद द फ्लो, आपको भगवान कहाँ ले जा रहा है ये सिर्फ आपको ही एनालाइज करना है और आपको खुद सोचना है कि मैं अब तक यहाँ पहुँची हूँ या पहुँचा हूँ, मुझे गॉड कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है। सपोज़ आफ्टर 6 मंथ आपको कुछ मुकाम मिल गया, या आफ्टर 3-4 मंथ्स कुछ मुकाम मिला, कुछ गॉड्स का प्लान था, वो अवसर आपको मिल गया, तो आप ये सोचिए कि वो अवसर के लायक भी तो आपको बनना था। चाहे वो अवसर आपके ऑफिशियल करियर के लिए हो, चाहे आपका अवसर किसी समाज किसी सोशल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने का अवसर हो, या किसी भी चीज़ का अवसर जो अपॉर्चुनिटी आगे मिलने वाली है आपको, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी के लायक हो सकता है गॉड आपको पहले तैयार कर रहा हो। ट्विन जर्नी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ डीएम से ही मिलना है, बस उसी के लिए अच्छा इंसान बनना है। ट्विन जर्नी के फ़ायदे ये भी होते हैं कि आपको लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स मिलने वाली हैं, या जो भी गॉड्स की गिफ्ट्स मिलने वाली है, या जो भी गॉड्स का प्लान है आपके लिए,
उस प्लान के लिए पहले लायक तो बने। सपोज़ कि मैं कोई बहुत ही बड़ी सोशल एक्टिविस्ट बनने वाली हूँ, ठीक है, हमको एक अच्छा मौका मिलने वाला है आगे 6 महीने बाद, गॉड ने मेरे लिए प्लान किया है, लेकिन जब तक मेरे अंदर प्यार की भावना नहीं होएगी, जब तक मेरे अंदर सेवा भावना नहीं होगी, जब तक मेरे अंदर खुद से खुद के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक मेरे सोच पॉजिटिव नहीं होएगी, मैं उस गिफ्ट के लिए रेडी ही नहीं हूँ, ठीक है। तो गॉड्स प्लान, गॉड्स सोल मिशन, सोल पर्पस, सब आप भगवान को से पूछिए और उनके जवाब को उनके हाथों छोड़ दीजिए। डिवाइन टाइमिंग पर वो खुद आपको आपका जवाब देंगे, जवाब कह देंगे सीधे, वो गिफ्ट ही आपको दे देंगे। और तब तक की जर्नी में आप अपने आप को उस गिफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये समझिए। अब अगला क्वेश्चन है कि मैम हमें हार्ट पेन क्यों होता है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सभी की प्रॉब्लम है आई थिंक ऑलमोस्ट। तो हार्ट पेन हमें इसलिए होता है बिकॉज हमारे अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। अब आप कहेंगे कि लैक ऑफ अवेयरनेस क्या होता है, इसका हार्ट पेन से क्या रिलेशन है? देखिए लाइफ में क्या होता है, हम लोग, आपको हार्ट पेन जब होता है तो आप मुझे कमेंट्स पे क्या लिखते हो, मैम मुझे हार्ट में पेन हो रहा है, डीएम ने वो मुझे याद ही नहीं कर रहा है, मुझे उसकी याद आ रही है, वो मुझे छोड़ के चला गया, वो उसने मुझे फ़ोन ही नहीं किया, उसका फ़ोन आया लेकिन अब वो फिर मुझसे बात नहीं कर रहा। कुछ सिचुएशंस आप बताते हो मुझे, ठीक है, और आपकी सिचुएशंस चाहे आप बताते हो या नहीं बताते हो, चाहे आप मन में सोचते हो, जो तो सिचुएशंस आपकी होती हैं सब नेगेटिव होती हैं कि वो नहीं कर रहा, नहीं हो रहा, इसलिए मुझे दर्द हो रहा। मतलब एक प्रकार से आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने दर्द को और उस सिचुएशन को। जब आप पॉजिटिवली बोलना सीख जाएंगे, पॉजिटिवली सोचना सीख जाएंगे, आपके हर वर्ड पॉजिटिव अफर्मेशंस होंगे, आप 2400 घंटे सिर्फ पॉजिटिव बोलेंगे तो वही वाइब्रेशंस आपको वापस मिलेंगी। आप वही वाइब्रेशंस, आप एक एनर्जी हैं, आप जो वाइब्रेशंस देंगी वही वाइब्रेशंस आपको वापस मिलेंगी, वही वाइब्रेशन आप भेज रही हैं, वही वाइब्रेशंस आपको वापस आएंगी और वही वाइब्रेशंस आप फिर से रेडिएट कर रहे हो सब जगह। डीएम ने मुझे कॉल नहीं किया तो आपने एक नेगेटिव वाइब्रेशन भेजी तो वो क्यों कॉल करेगा, ठीक है। या मैं दुखी हूँ, आपने वाइब्रेशन दिया, अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन दी कि आप दुखी हैं तो आप दुखी रहेंगी। आपने अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन दी कि मेरा हार्ट में पेन हो रहा है तो आपको हार्ट में पेन होगा। आप जब पॉजिटिवली, जब आपको हार्ट पेन हो रहा है तो आप बोलिए आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ओके, आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, मैं पावरफुल फील कर रही हूँ, मैं पीसफुल फील। जो दर्द हो रहा है उसको और रियलाइज करने से क्या वो दर्द ठीक हो सकता है? नहीं, बल्कि वो और मैनिफेस्ट होता है। तो आपको क्या रियलाइज करना है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई एम ओके, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रांग, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। आप हैप्पी बोलिए, आप खुश हो या ना हो आप बोलिए, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग ब्लिसफुल, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। जब आप ऐसी अफर्मेशंस देंगे तो आपका हार्ट पेन हील होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड, हर चीज़ के लिए थैंकफुल होइए। सवेरे का नया दिन मिला उसके लिए थैंकफुल, आपको खाना मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल। हम लोग जब हमको दर्द होता है तब हम अपने सारे जो हमको गॉड से ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो भूल जाते हैं, सिर्फ एक डीएम की याद आ रही है, एक डीएम के मैसेज नहीं आया तो हम सारी ब्लेसिंग्स को ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें इतना अच्छा खाने को मिल रहा है, हमें इतना अच्छा पहनने को मिल रहा है, हम लोग इतने खुश हैं लाइफ में, हमारी इतनी अच्छी फैमिली है, सब चीज़ छोड़ छाड़ के हम एक
एक चीज के लिए असंतुष्ट हो जाते हैं। दुश्मन को भी ग्रैटिट्यूड पे करिए। अगर डीएम भी आपका नार्सिसिस्ट है तो उसको भी ग्रैटिट्यूड पे करिए कि अगर उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार ना किया होता तो आपकी आज अवेकनिंग नहीं होती। उसने आपके संग नार्सिसिस्ट व्यवहार नहीं किया होता तो आपको लेसन सीखने को नहीं मिलता। उसने आपके संग आपको टॉर्चर नहीं किया होता तो आप लाइफ में खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना नहीं सीख पाती। उसने आपको हर्ट नहीं किया होता तो आप अपनी लाइफ को इतना ग्रेटफुल, इतनी पावरफुल, स्ट्रांग बनने के लिए कोशिश ही नहीं करती। उसने जो भी बुरा किया उसी का रिजल्ट है कि आज आप अपने आप को जान पाई हैं। ठीक है, आप अपने आप को आज जान पाई हैं। आप अपने आपको जानने की इच्छा है कि मैं एक सोल हूँ, मैं कौन हूँ। अगर आपको जरूरी नहीं कि डीएम ही आपको पेन दे, हमारे लाइफ में कार्मिक्स भी आते हैं, वो भी हमको पेन देते हैं, तो बी ग्रेटफुल टू ऑल द कार्मिक्स ऑल्सो। और कहीं ना कहीं ये ग्रैटिट्यूड भगवान को भी है कि भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं कि अगर मेरे डीएम ने या हमारे कार्मिक ने या हमारे सोलमेट ने हमको जो भी हर्ट किया, जो भी वुंड दिया और हमको हमारी अवेकनिंग हो गई, क्या हमको ग्रैटिट्यूड पे नहीं करना चाहिए? अवेकनिंग जानते हैं क्या होता है? अवेकनिंग एक वो जर्नी होती है जिसमें हम खुद को जानते हैं। हम पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं, पूरी ज़िंदगी लोगों के बीच जाती है और हम ये जान नहीं पाते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। हम पूरी ज़िंदगी ये जान नहीं पाते हैं कि मैं कौन हूँ। हम 3D में फंसे रहते हैं। हमें खुद को जानने का मौका दिया है भगवान ने, हमको खुद को ग्रो करने का मौका दिया है भगवान ने, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने का मौका दिया है। ठीक है, और आपकी सोल को ग्रो करने का मौका दिया है, आपकी सोल को प्योर होने का मौका दिया है, आपको मोक्ष पाने का मौका दिया है। तो हमको सारे एनिमीज़ को भी, दुश्मनों को भी थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं करते तो हमारी लाइफ में लेसन्स हम सीख नहीं पाते और हमारी अवेकनिंग नहीं हो जाती, हो पाती। तो किस बात का हार्ट पेन? आप तो ग्रो ही कर रहे हो ना इस जर्नी में, तो हार्ट पेन किस बात का? यू आर ग्रोइंग डे बाई डे। आप समझ रहे हो कि लाइफ क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, लेसन्स क्या होते हैं, हाउ टू हील विद द इशूज़, हाउ टू डील विद द इशूज़। यू आर लर्निंग सो मच, फिर किस बात का हार्ट पेन? आपने सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखा। वन मोर थिंग, हम लोग को हार्ट पेन इसलिए भी होता है क्योंकि हम जिस रिलेशन में थे, हमने उस रिलेशन से उम्मीदें की थी कि हम उस रिलेशन से हमें प्यार मिलेगा, हमें खुशियाँ मिलेंगी, हमें पीस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, स्माइल मिलेगी हमारे उस रिश्ते से। और हमको सपोज़ जिसके डीएम, सपोज़ इनके डीएम डिस्टॉर्टेड हैं, या इस प्रकार से समझा जाए कि आप अपने डीएम को इसलिए याद कर रहे हो क्योंकि आपका सेपरेशन हो गया। अब आपका सेपरेशन क्यों हुआ था? आपका सेपरेशन इसलिए हुआ था क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा था, वो आपको डोमिनेट कर रहा था, वो आपको टॉर्चर कर रहा था, वो आपको अब्यूज़ कर रहा था, वो आपको आपका अपमान कर रहा था, और आपको और आप झुक रहे थे। अब हर बार यू आर ट्राइंग टू उस रिश्ते को आप बचाने की कोशिश करते हो, ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट रिलेशन। आपने कई बार ट्राई किया होगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पाँच बार नहीं, कई बार ट्राई किया होगा, बट द पर्सन स्टिल डूइंग द सेम थिंग, रिपीटेड पैटर्न। वो फिर भी वो आप जितने बार झुकते वो आपको उतने बार डोमिनेट करता, आप जितने बार झुकते वो आपको उतने बार अब्यूज़ करता, आपको गलत बोलता, अब जितने बार झुकते उतने बार वो आपको मैनिपुलेट करता, वो आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। आप तो रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हो और वो आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तुम्हारे कारण से रिश्ता ख़त्म हो रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फिर भी आप उस रिश्ते के लिए अगर भाग रहे हो तो आपको हार्ट पेन तो होगा, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग योर इनर वॉइस। अगर आप एक बानी, दो बानी, तीन बानी, ये उन लोगों के लिए है
जो मैंने बताई बातें हैं उन लोगों की जिनकी डीएम आप डीएम बोलते हो या जो भी बोलते हो उनको, पर अगर आपको उनसे ये चीज़ें मिली हैं तो इट्स अ टाइम टू हियर योर इनर वॉइस। और आपकी इनर वॉइस भगवान की आवाज़ होती है। आप बार बार किसी रिश्ते में बार बार वो रिश्ता टूट रहा है तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये रिश्ता शायद भगवान ने आपके लिए कुछ बेटर प्लान किया है, इसलिए वो चीज़ हो नहीं रही है। तो समटाइम्स जब हम लोग रॉन्ग रिलेशंस में रहते हैं तब भी हमको हार्ट पेन होता है। तो ये आपको एनालाइज करना है कि अगर आपके संग रिपीटेड ये पैटर्न हो रहा है तो, और उसके बाद आपकी तुरंत अवेकनिंग हो गई, मीन्स गॉड हैव सम बेटर प्लान फॉर यू। और या तो गॉड आपसे इतना प्यार करते हैं कि उनके पास सम बेटर ऑप्शंस हैं आपके लिए, बट आप खुद ही अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो। आपको अच्छा लग रहा है उसी मैनिपुलेशन को आप इंजॉय कर रहे हो, उसी डोमिनेशन को आप इंजॉय कर रहे हो, आपको उसी नैसिस्ट में ही रहना है। दैट इज़ ओनली मेकिंग यू कंफर्टेबल कि कुछ तो लाइफ में एक्साइटिंग हो रहा है ना, बुरा ही सही। दिक्कत ये कि हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों को लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, कुछ तो हलचल हो रही है, दैट्स इट। इसीलिए हम लोग फंसे रहते हैं उसमें। तो अगर किसी रिश्ते में जो कि शायद आपके लिए बना ही नहीं है, ये कुछ खास ग्रुप के लिए बात कर रही हूँ, सबके लिए बात नहीं कर रही, सबके डीएम ऐसे हो ज़रूरी नहीं है, बट जिनके ऐसे हैं उनको एक बार सोचना चाहिए कि वो सही रिलेशन के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन अगर ऐसी चीज़ बार बार हो रही है, रिपीटेड चीज़ रिश्ता ख़त्म हो रहा है, रिपीटेड कोई चीज़ ख़राब हो रही है, एब्यूसिव बिहेवियर हो रहा है एंड फिर आपकी अवेकनिंग हुई है, तो मीन्स गॉड हैज सम बेटर ऑप्शन फॉर यू, सम बेटर प्लान। जस्ट वेट फॉर दैट प्लान एंड और उस प्लान के लिए आपको प्रिपेयर, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था, आपको प्रिपेयर करना है खुद को कि जब आपको वो चीज़ मिलेगी तो उस चीज़ को हैंडल करने लायक आपको बनना है। सपोज इस नैसिस पर्सन से गॉड को आपको अलग करना है, ही गॉड हैज़ सम बेटर बेस्ट प्लान फॉर यू आफ्टर 6 months और 1 year। ठीक है, अब वो जो आपको बेस्ट मिलेगा उसकी सब डील करने के लिए आपको ये इनर वर्क कराया जा रहा है कि आप अपने नेचर को चेंज करो, आप पहले एक अच्छे इंसान बनो, आप जज करना बंद करो, आप नेगेटिविटी अपने अंदर से निकालो, आप पॉजिटिव बोलना शुरू करो, खुद के लिए पॉजिटिव बोलना शुरू करो, सबके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करो, सब जगह पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजना शुरू। जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप भेजेंगे अपने लिए और दूसरों के लिए, वही पॉजिटिव रिएक्शन आपको मिलेगा अपने लिए और दूसरों से। तो ये एक बहुत बड़ी लेसन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नी है जिसमें आपको ये लेसन्स, वाइब्रेशंस, एनर्जी, पॉजिटिविटी, इन सब चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सब चीज़ सीख लेंगे, आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है, तब आपके लिए गॉड ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट रखा है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हार्ट पेन के कुछ रीजंस थे जो मैंने डिस्कस किए हैं, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लीज़ वर्क ऑन दिस एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज गिव पॉजिटिव अफर्मेशंस, ऑलवेज सेंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू योर सेल्फ एंड फॉर एवरीवन, एंड लव योर सेल्फ, लव योर लाइफ, लव योर डिवाइन। God bless you all and please like, share, subscribe my channel. God bless you all.